केंद्र व हिमाचल सरकार के संयुक्त सार्वजनिक बहुराष्ट्रीय उपक्रम एसजेबीएन की 412 मेगावाट की रामपुर जल विद्युत परियोजना ने विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में लगातार कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इस वर्ष विद्युत मंत्रालय द्वारा दिए गए डिजाइन एनर्जी टारगेट सालाना टारगेट को परियोजना ने मई से 64 दिन पहले पूर्ण कर लिया है। इस सरकार व बिजली खपत करने वाली संस्थाओं को लाभ होगा। रामपुर जल परियोजना को डिजाइन एनर्जी के हिसाब से 31 मार्च तक 1878 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन परियोजना निर्माताओं की सूझबूझ और प्रकृति के अनुकूलता के कारण सतलुज नदी पर बनी इस परियोजना ने लक्ष्य को 64 दिन पहले हासिल किया है। निर्धारित लक्ष्य के बाद उत्पादित बिजली को परियोजना निर्माताओं द्वारा सरकार व विभिन्न उपभोक्ता एजेंसियों को वास्तविक दर से प्रति यूनिट आधे दाम पर बेची जाएगी। इससे सरकार व विभिन्न उद्योगों को सर्दी के मौसम में सस्ती व अतिरिक्त बिजली मिलने के कारण लाभ होगा। रामपुर जल विद्युत परियोजना के महाप्रबंधक मनोज कुमार ने बताया कि जो डिजाइन एनर्जी सालाना विद्युत उत्पादन के लिए सरकार द्वारा दी गई थी, उसे परियोजना ने समय से 64 दिन पहले पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पावर प्लांट के लिए गौरव की बात है कि टारगेट अचीव करने के बाद वे इसके एप्स में मिलने वाले लाभ अर्जित करें। उन्होंने बताया कि डिजाइन एनर्जी लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद बिजली जो तैयार की जाएगी उसे आधे रेट पर सरकार व अन्य उपभोक्ता एजेंसियों को मिलेगी। इससे सरकार व देश के अन्य उपभोक्ता एजेंसियों को लाभ मिलेगा। 64 डेज प्राप्त पहले अचीव किया है, जो कि रामपुर परियोजना शुरू से जब से इसकी कमिश्निंग हुई 60 साल हम लोग कीर्तिमान बनाते आ रहे हैं। ये डिजाइन एनर्जी के बाद जो एनर्जी हमारी ग्रिड में जा रही है, मतलब ये जो 27 जनवरी के बाद जो भी बिजली जा रही है, इसके ओरिजिनल रेट से आधे रेट पे जाएगी। इसका फायदा जो पूरे देश की इकोनॉमी, हिमाचल इकोनॉमी और हमारे जितने बेनिफिशरीज हैं सबको इसका फायदा मिलेगा। और हमारी हमेशा ये कोशिश रह रही है कि हम लोग अपने मशीन की अवेलेबिलिटी हमेशा रखें और पानी का एक बूंद भी हम बर्बाद न करें।